नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंदौर शहर ने स्वच्छता में 5 बार नंबर का खिताब जीता है। वैसे ही अब यातायात में भी नंबर 1 को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इंदौर के अव्यवस्थित यातायात को लेकर अब इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने भी एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर इंदौर कमिश्नर द्वारा आज यातायात को लेकर पंपलेट स्टिकर इंदौर शहर और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर चस्पा कर शुरुआत की गई है। इस पंपलेट स्टिकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अपना वाहन सही तरीके से लगाएं, जिससे यातायात व्यवस्था बनी रहे। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इंदौर शहर में बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस प्रयोग में ट्रैफिक पुलिस काफी हद तक सफल होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कुछ समय पहले यातायात व्यवस्था शहर में बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, डीसीपी महेश चंद्र जैन के प्रयासों से इंदौर शहर में अब यातायात व्यवस्था पर ज्यादा जोर देकर उसे व्यवस्थित किया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत पुलिस कमिश्नर कार्यालय से की गई है, जिसमें ट्रैफिक के जवानों ने कार्यालय की पार्किंग में जो वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े हुए थे, उसे सही तरीके से खड़े किए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने वाहन मालिकों से अपील की है कि अपना वाहन व्यवस्थित रखें, जिससे आम जनता को आसानी होगी। पिछले दिनों पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार जो युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं, और डीसीपी ट्रैफिक और उनकी पूरी टीम ने लगातार जिस मेहनत से काम किया है, उसके परिणाम हमें लगातार दिख रहे हैं। पुलिस इसकी तह तक जाकर उसके हर छोटे से छोटे पहलू पर काम कर रही है, जो कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बना सकती है और इसमें गुणात्मक परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। हम देखें तो इस कड़ी में पुलिस की पूरी कोशिश है कि यातायात व्यवस्था से जुड़ी जो जागरूकता है, हर व्यक्ति के जीवन पद्धति का हिस्सा बने, क्योंकि इंदौर ने अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता से लेकर और अन्य कई आयामों में इसको जीवन में अपना करके इसमें एक अलग पहचान बनाई है। पुलिस की कोशिश है कि यातायात व्यवस्था से जुड़े हर पहलू पर आम व्यक्ति एक सतर्कता से और सजगता से काम करे, और उस कड़ी में पुलिस ने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से रखने को लेकर के आज एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें पुलिस की कोशिश है कि कई बार छोटे छोटे हमारे प्रयासों से बड़े बड़े परिणाम सामने आते हैं। और अगर किसी अगर हम सार्वजनिक यातायात की पार्किंग की बात करें, तो वाहनों को बेतरतीब रखने से एक दो लोगों की छोटी सी असावधानी से पूरी यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होने से पूरा एक वहां से जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम जहां भी वाहन को पार्क करें, बेतरतीब न रखें, अव्यवस्थित न रखें, उसको व्यवस्थित तरीके से सीधे रखें, और इस छोटे से हमारे प्रयास से उस जगह की, जिस जगह पर हम रह रहे हैं या जहां पर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, पूरी एक पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। यह प्रयोग के तौर पर देखा गया है कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, और आज से मुख्यतः पूरे शहर में इसको एक मुहिम के रूप में शुरू किया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।